उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल के हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। जब भी हम सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूँ जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूँ अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सुधा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%। सभापति महोदय जहां तक रुक जाइए, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चर्चा ना करें। ये सभापति महोदय जी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें फैलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय आपका समय सभापति महोदय मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा। सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, आप बजट पर पूरे अपनी बात रखिए। सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी चर्चा रखिए। जब भी सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारे